फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे 3 अमेजिंग पेंटिंग्स, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हम पेंटिंग बनाने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए ऑयल पेस्टल्स, लाइट पिंक, डार्क पिंक, थोड़ा सा मस्टर्ड कलर और येलो कलर, और हमें चाहिए टिश्यू पेपर, और उसमें हमें चाहिए ब्राउन एक्रेलिक पेंट। आप वाटर कलर भी ले सकते हैं। मैंने दो टाइप के ब्राउन कलर शेड लिए और एक पेंट ब्रश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लाइट येलो कलर है वो हमें इतने पार्ट में कलर करना है। अब हम करेंगे ये मस्टर्ड कलर, ये हमें इतने पार्ट में करना है, तब हम ये कर देंगे। अब मैंने मस्टर्ड कलर भी कर दिया है। अब मैं टिश्यू पेपर से इन कलर को मर्ज कर दूंगी। तो अब हमने येलो और इस मस्टर्ड शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब हम यहाँ तक लाइट पिंक कलर करेंगे। अब लाइट पिंक कलर हो गया है, अब हम करेंगे डार्क पिंक कलर। अब मैंने पिंक कलर करके इसको टिश्यू पेपर से मर्ज कर दिया है। अब हम इसके ऊपर एक ट्री ड्रॉ करेंगे। अब हम ट्री की ब्रांचेस ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे सारी ब्रांचेस ड्रॉ कर ली हैं। अब मैं इन पे वाइट कलर की डॉट्स लगाऊंगी ब्रांचेस के एंड्स में। अब मैं ये ऑयल पेस्टल से डॉट लगाने के बाद पेंट से डॉट लगाऊंगी इस तरह से। मैंने ये एक बर्ड बना लिया है। अब मैं यहाँ पर इस पर और भी बर्ड बना लूंगी। अब हमारी ये वाली पेंटिंग रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारी दूसरी पेंटिंग। अब हम जो पेंटिंग बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं सारे कलर्स, वो मल्टी कलर पेंटिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कलर्स है उन्हें लेंगे, इस तरह से शीट लेंगे, उस पर ऐसे छोटी छोटी डॉट्स लगा देंगे इधर उधर। ऐसे में सारे कलर्स की डॉट लगा लूँगी। अब हम इसके ऊपर ये स्लिंग फिल्म लगाएंगे। ये ट्रांसपेरेंट रैप होता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी लगाने के बाद देखिए इस तरह से हम इसको फैलाएंगे। अब हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसको 5 मिनट बाद इसका जो ट्रांसपेरेंट रैप है वो हटा देंगे। अब हमने इसकी स्लिंग फिल्म हटा दी है। अब हम इसके ऊपर कुछ लिखेंगे, मतलब कोई भी कोट लिख सकते हैं इसके ऊपर। अब हमारी ये वाली पेंटिंग भी रेडी है। अब जो हम पेंटिंग बना रहे हैं उसके लिए मैंने टेप से इस तरह से डायमंड शेप बना ली है। अब हम इसके अंदर कलर फिल करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया लाइट येलो कलर, लाइट पिंक, थोड़ा सा डार्क पिंक, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल और वाइट। और मैंने यहाँ लिया ये 1 साइज़ का ब्रश और ये 12 साइज़ का इस तरह वाला ब्रश, और मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर भी लिया है। यहाँ पर मैं लगाऊंगी येलो कलर। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी लाइट पिंक। फिर मैं लगाऊंगी डार्क पिंक। फिर मैं लगाऊंगी लाइट ब्लू। अब मैं लगाऊंगी डार्क ब्लू। और यहीं पर मैं लगाऊंगी पर्पल कलर। ये जो पर्पल है मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर भी ऐड ऑन कर दूंगी इसके साथ। अगर आपके पास लाइट पर्पल है तो वो आप यूज कर सकते हैं।
अब मैं इन कलर्स को मर्ज करूंगी। अब मैंने यहाँ पर कलर्स की मिक्सिंग कर लिया, कलर्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें आगे स्टार्स बनाएंगे वाइट कलर से। अब हमारी ये जो पेंटिंग है बनके रेडी है। अब हम इसकी टेप उतार देंगे। अब हमारी ये पेंटिंग रेडी हो गई है। अब हम इसकी आउटलाइन गोल्डन कलर से कर देंगे। अब मैंने इसकी आउटलाइन कर दी है और हमारी ये पेंटिंग भी रेडी है।